नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में अभी वैकेंसी निकली है हाल ही में, तो उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप वीडियो जो है शुरू से लास्ट तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा, क्योंकि जल्दी ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का एक प्रीवियस एग्जाम पर यूट्यूब पर डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, मैं आपको खोलने का तरीका बताता हूँ किस तरह से इस वेबसाइट को खोलना है दिल्ली मेट्रो की। तो आप यहाँ पर लिखकर DMRC गूगल पे लिखना है आपको। जैसे आप लिखेंगे तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको साइट दिख जाएगी, वेलकम टू दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसकी वेबसाइट लिखी आ रही है। तो नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा इसकी वेबसाइट के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो वैसे तो आप दोस्तों इसकी पूरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इसकी वैकेंसी रिक्रूटमेंट के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों कैरियर पर क्लिक करेंगे। दो टाइप की दोस्तों इसमें वैकेंसी निकली है, तो दोनों के टाइप के बारे में आपको बताया जाएगा। तो पब्लिक नोटिस दोस्तों आप पढ़े, सार्वजनिक सूचना इसमें दी गई है, क्योंकि जो है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में इसके बारे में। इसमें दोस्तों ये दिया गया है कि आप जो है किसी भी फर्जी वाड़े में ना फंसे, क्योंकि जो है काफ़ी आपके पास कॉल भी आ सकती है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल में आपको कोई झूठा वाला देगा कि नौकरी हम दिलवाएंगे, तो ऐसे आप किसी भी चक्कर में ना पड़ें। ठीक है, तो इसे आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से। तो दो टाइप की दोस्तों वैकेंसी निकली है, एक स्पेशल दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे आप क्लिक कैरियर पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो है सीरियल नंबर एडवर्टाइज नंबर लिखा आएगा, तो हम सबसे पहले ऊपर वाले पर क्लिक करते हैं, क्लिक है टू अप्लाई। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर टू लिखा रहा है। सबसे पहले हम इसका एडवर्टाइज़ पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी वैकेंसी हो आपको अप्लाई करने से पहले उसका एडवर्टाइज़ डिटेल्स जो होती है वो आपको रीड करनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। उसी को पढ़ने के बाद आपको जो है उसके बारे में अच्छी से जानकारी मिल सकती है। तो हम जो है सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, तो यहाँ जो वैकेंसी ये जो ऊपर वाली पोस्ट पर हमने क्लिक किया है, ये सिर्फ स्पेशल जो है स्पेशल ड्राइव फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ST कैंडिडेट, यानी कि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट। तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी निकली, हम सिर्फ IT वाले बच्चों की बात करेंगे। तो IT वाले बच्चों की बात करते हैं तो मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। ठीक है, तो यहाँ पे 29 वैकेंसी निकली है ST में। ठीक है, ITI दोस्तों पास मांगा गया है, जो आपकी जो ट्रेड है यहाँ पे दे रखी है, आप इस ट्रेड को पढ़ सकते हैं। PDF फाइल का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जो उसको पढ़ सकते हैं। कोई भी कुछ भी बात समझ में आए तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर पूछें, और मैं आपको यहाँ पे एक ज़रूरी बात बता देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्पेशल लिखा है, कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन BE BTEC डिप्लोमा ETC बट नॉट हैव डन ITI एंड नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक। तो दोस्तों इसमें लिखा गया है साफ साफ, यदि आपके पास BE डिप्लोमा है, यदि आप और उसके बाद आपके पास ITI का सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, जो ये ITI वालों के बच्चों की दी गई है। बाकी ग्रेजुएट BCOM वगैरह जो अपनी नॉन टेक्निकल हैं वो सब बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, तो LLB की दोस्तों आई है वैकेंसीज में, तो केवल ये SC ST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, तो हम ले चलते हैं आप दोस्तों आपको इसके दूसरे नोटिफिकेशन जो इसका एडवर्टाइज आया है। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्लिक करेंगे अप्लाई, क्लिक कर टू अप्लाई, यहाँ पे सारी वैकेंसी दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके इस तरह की विंडो खुलेगी। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर टू डाउनलोड डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, यहाँ हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF फाइल खुलकर आ जाएगी, जिसमें जो है सभी कैटेगरी की वैकेंसी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग और ऑनलाइन डेट दिखाते हैं आपको। तो इसमें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्ट है 27/1/2018 से है, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस टू बी पेड बिटवीन 1/2/2018 से 26/2/2018 तक है। इसके बाद लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ दे रखा है दोस्तों 26/2/2018 में, जो रात को जो है ये 12 बजे के आसपास जो है बंद कर दी जाएगी। ठीक है, और उसका जो कॉल लेटर होगा वो जो आपकी ईमेल आईडी होगी आप फॉर्म भरते समय देंगे, और अपना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर देंगे, उस पर आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी इसका कॉल लेटर आएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसका फॉर्म ही भरा जा रहा है, तो आप ये भी ध्यान रखें। तो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी जो है इसमें पोस्ट निकली हैं, तो सिर्फ हम जो है आपको टेक्निकल जो ITI बच्चों की निकली है उन्हीं के बारे में बताएंगे। बाकी आप जो नॉन टेक्निकल है BE BTEC BE डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप इसके जो पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी PDF फाइल का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दोनों का PDF फाइल दिया गया है, आप उसको वहां से अच्छे से पढ़ें और उसको जो है फॉर्म को तभी अप्लाई करें। ठीक है, तो हम दोस्तों सीधा यहां पर ले चलते हैं आपको सेक्शन B में। तो सेक्शन B में दोस्तों जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, नीचे जाएंगे आप, यहां पर जो है आपको मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। सेक्शन B लिखा है यहाँ दोस्तों, इसे जब आप यहाँ लिखा है रेगुलर नॉन एग्जीबिटी और कैटेगरी पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ 3 ईयर जो डिप्लोमा करते हैं बच्चे उनके लिए काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है। तो हम सीधा आपको ले चलते हैं, जो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक। इसमें जो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर SC कैटेगरी दी गई है, SC की 79 और ST की 39 और OBC की 143 और जनरल की जो है 269
और ये दोस्तों एक्सरे मैंने की दी गई है 76 और टोटल जो दी गई है 530 वैकेंसी दी गई है। ठीक है, इसमें जो है आईटी मांगी है एनसीबीटी एससीबीटी, ये सारी आईटी दे रखी है जो भी इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ चलते हैं मेंटेनर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, इसके बाद चलते हैं मेंटेनर और फिटर। फिटर की वैकेंसी हम दे सकते हैं क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट फिटर के हैं, तो उनको हम डिटेल से थोड़ा बता देते हैं। एससी में जो बच्चे हैं उनके लिए 26 वैकेंसी निकाली गई है, एससी में जो 26, एसटी में जो है 13 वैकेंसी है, ओबीसी में 48 वैकेंसी है, जनरल में 91 है और एक्सरिस में 25, और टोटल मिलाकर जो है 178 जो है वैकेंसी निकली है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या मांगा गया है, इसमें मांगा गया है आईटीआई आपके पास होना चाहिए, एनसीबीटी एससीबीटी इन फिटर। ठीक है, तो फिटर से और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट से रिकोगनाइज होना चाहिए, चाहे आपका इंस्टीट्यूट हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, तो ये आप दोस्तों ध्यान रखें, और इसका जो पोस्ट का जो इसका जो कोड है B1 इसका कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों पोस्ट कोड जो दिया गया है RNE13। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ बाकी दोस्तों, तो डिप्लोमा की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है, जो 3 ईयर डिप्लोमा है बच्चे वो भी इसको जो है भर सकते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसी निकली है, तो सारी तो दोस्तों पढ़ के नहीं सुना सकता। और मैं आपको स्पेशल यहाँ एक दोस्तों एक दिखा देता हूँ, एक इसमें जो नोटिफिकेशन दिया है तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको नोटिफिकेशन। कैंडिडेट हैविंग हायर क्वालिफिकेशन BE BTech डिप्लोमा बट नॉट हैविंग ITI स्पेसिफाइड स्पेसिफिक ट्रेड आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ऑफ मेंटेनर फ्रॉम पोस्ट कोड, ये दिया है। यानी कि यदि आपके पास दोस्तों ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इन दो जो कोड दिए गए हैं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी जो आप जिसके आपके जो रिलेटेड है वो आप केवल उसी वैकेंसी को भरें। ठीक है, तो ITI का मार्कशीट जहाँ मांगी गई है वहाँ पर ITI की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फीस डिटेल के बारे में बताया था, तो यहाँ देखेंगे सामने, यहाँ पर लिखा जनरल OBC की जो दोस्तों फीस इसमें दी गई है नॉन रिफंडेबल फीस होगी 500 इसका चार्जेस रखा गया है, और SC ST जो PWD कैंडिडेट हैं वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों 250 यानी कि 250 रुपये उसकी फीस रखी गई है फॉर्म भरने की। इसके बाद हाउ टू अप्लाई में दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको सीधे नीचे चलता हूँ सेवन्थ के ए पार्ट में, तो यहाँ पे लिखा रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर फोटो मैक्सिमम 80 KB साइज़ यानी कि JPEG और JPG में फॉर्मेट में होनी चाहिए, रिसेंट सिग्नेचर यानी कि स्कैन सिग्नेचर लगेंगे आपके वो भी JPG में होने चाहिए, ये दे रखा साफ साफ। कास्ट सर्टिफिकेट आपका OBC SC ST और PWD कैंडिडेट जो भी हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ हो जिसमें वो आपको अपलोड करना होगा, क्वालिफिकेशन मार्कशीट यानी कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको जो है इसमें फॉर्मेट देना होगा। इसके बाद डेबिट यहाँ लिखा क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो एग्ज़ाम की फीस है उसको आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसकी PDF फाइल को स्टडी कर सकते हैं, पूरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी जो है PDF फाइल को जो है स्टडी करें और इसका फॉर्म को भरें, मैं आपको जो है इसका फॉर्म भरना बता देता हूँ। ठीक है, तो इसके दोस्तों फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं आप, तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे हम दोबारा वहाँ ले चलते हैं आपको, हमने यहाँ पर लाए थे आपको, तो यहाँ पे दोस्तों लिखा रहा है क्लिक हट टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, यहाँ देखे दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट लिखी आ रही है, बाकी सब कुछ दिया है इसके अंदर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक प्रॉब्लम आ सकती है, आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त, तो इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ दोस्तों जब आप पोस्ट कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको चार पांच ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यदि आप ITI वाले स्टूडेंट हैं ITI बच्चे हैं तो आपको क्या सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट ये आपको सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे PDF फाइल में हम जाते हैं वापस, तो यहाँ देखें दोस्तों आपकी जो ITI कैटेगरी है वो आपके कहाँ पर आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ देखें दोस्तों सेक्शन B में यहाँ लिखा है रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव और कैटेगरी पोस्ट, तो इसके अंदर दोस्तों जो सेक्शन B है उसके अंदर जो है यहाँ तक ये वैकेंसी कोड दिए गए हैं RNE13। ठीक है, ये सारे कोड जो हैं वो यहाँ पे जो दोस्तों क्लिक करेंगे आप तो वह यहाँ पर रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर क्लिक ही करना है, फिर आपको कैंडिडेट नेम लिखना है, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फिर ठीक है दोस्तों ईमेल ID रीएंटर, इस तरह से जो है आप इसका जो है इसको पढ़ेंगे और जब यहाँ पर इसका कैप्चर कोड डालेंगे एग्री करेंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आगे का जो प्रोसीजर है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर पूरा पूरा भरना है, और किसी बच्चे को दोस्तों कोई भी बात पूछनी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट का भी और इन PDF फाइल का भी, और कोई भी प्रॉब्लम आए फॉर्म भरते वक्त तो आप बिल्कुल जो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बताना था, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, और कोई भी दोस्तों समस्या आए फॉर्म भरते वक्त तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे,
और दोस्तों जल्दी ही DMRC का एक प्रीव्यू इस एग्ज़ाम पेपर आपके जो है यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो साथ मिलते हैं, तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।